मॉर्निंग स्टैंडर्ड है, ओपन योर साइंस बुक चैप्टर नंबर 90। बच्चों पिछले क्लास से हम लोग इस चैप्टर में एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़े, किस तरह से एयर हमारे पॉल्यूटेड हो रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से पॉल्यूटेंट हैं, किस तरह से हम लोग इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं और इससे क्या क्या रिलेटेड बीमारियां होती है। तो हम लोगों को, जितने भी हम लोग लिविंग थिंग हैं, उनको सर्वाइव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज की जरूरत होती है बच्चों? एयर। नाउ द सेकंड नेसेसरी थिंग इज वाटर, ठीक है। उसके बाद हवा के बाद सबसे पहला हम लोगों को जरूरत होती है पानी की। भाई एक ग्लास पानी दो, पानी पीना है, ठीक है। पानी पिए बगैर हम लोग नहीं रह सकते, ठीक है। तो वाटर इज वेरी नेसेसरी बच्चों। इवन कि प्लांट में भी अगर आप अपने घरों में पौधे लगाए हैं और कुछ दिनों तक उसमें पानी नहीं डालिएगा, डेली नहीं डालिएगा बच्चों पानी उसमें, तो कुछ समय के बाद आपके पौधे क्या होते हैं, प्लांट क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं, उसमें ठीक से फ्लावर नहीं आते हैं, ठीक है। तो हम लोग समय समय पर, या गर्मी का मौसम हो तो ज़्यादा पानी डालते हैं, ठंड का मौसम हो तो कम पानी डालते हैं बच्चों। तो ज़रूरत के अनुसार से हम प्लांट में भी पौधे पानी डालते हैं, खेती में भी, फार्मर को, किसान को भी क्या होती है, आप लोग फर्स्ट चैप्टर में, क्रॉप चैप्टर में पढ़े थे कि किसान को खेती के लिए भी वाटर की जरूरत होती है, इरिगेशन की जरूरत होती है। अगर किसान समय समय पे सिंचाई ना करे अपने प्लांट को, पौधों को, तो उसके फसल क्या होंगे, क्रॉप्स क्या होंगे, नहीं होंगे, उपज नहीं होंगे सही। ये तो हम लोग, आपका याद होगा फर्स्ट चैप्टर में, क्रॉप चैप्टर में हम लोग पढ़े थे बच्चों। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको हवा के बाद अगर सेकंड नेसेसरी चीज़ है तो क्या है बच्चों? वाटर। वाटर इज वेरी नेसेसरी, ठीक है। तो आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा वाटर भी हम लोगों के ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण आजकल बहुत ही पॉल्यूटेड हो रहा है बच्चों, ठीक है। हम ही लोग हैं जो अपने वाटर को पॉल्यूटेड कर रहे हैं। तो किस किस तरीके से हमारा वाटर पॉल्यूटेड हो रहा है, यही इस चैप्टर में आगे हम टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे तो पहला मेन कारण है इंडस्ट्रियल वेस्ट। आजकल जो इतने इंडस्ट्री लग रहे हैं बच्चों, फैक्ट्रीज लग रहे हैं, वो सारे जितने भी उनके वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं वो सबको सीधा वाटर बॉडीज में डाल देते हैं, नदी में, नालों में, आपके लेक हो, तालाब हो, नदी हो, ओशियन हो, सभी में डाल देते हैं। तो इससे जो भी उनके केमिकल सब्सटेंस हैं, पॉइजनस सब्सटेंस हैं, वो क्या होते हैं, वो वाटर बॉडीज में चले जाते हैं। तो उससे रिलेटेड उस वाटर में जो भी, जितने भी एक्वेटिक एनिमल रह रहे हैं, जितने भी प्लांट हैं एक्वेटिक, वो तो उसी में, पानी में ही सर्वाइव करते हैं ना बच्चों। तो उन्हें क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है। दूसरा है डोमेस्टिक वेस्ट। आज तक हम लोग अपने घरों से भी जितना भी कूड़ा हो, कचरा हो, हम एक तो आजकल हम लोग क्या करने लगे हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ों की ज़्यादा यूज करने लगे हैं, पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक कंटेनर, ये सब का यूज करते हैं और अपने घर का सफाई तो कर लेते हैं लेकिन बाकी वेस्ट को ले जा करके वाटर बॉडीज में क्या करते हैं, डाल देते हैं, रिवर हो, पॉन्ड हो, उसमें डाल देते हैं। तो अपना घर तो हम लोग साफ कर लेते हैं बच्चों, लेकिन हमारे आसपास जितने भी वाटर बॉडीज हैं उसको क्या कर देते हैं, हम लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं, पॉल्यूटेड कर देते हैं। तीसरा है एक्सीडेंटल वाइल्ड लीकेज। आपके ओशियन में, सीज में, मान लीजिए किसी भी कैरी जहाज से, शिप से, बहुत सारे वाइल को इधर से उधर ले जाया जाता है बच्चों, अगर वहाँ कोई सडन एक्सीडेंट हो जाए, कहीं लीकेज हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो वाइल क्या होते हैं, वाटर में रिलीज हो जाते हैं। और ये तो आप जानते हैं कि वाइल कैन नॉट डिजॉल्व इन वाटर, जिस तरह से हम लोग पानी में चीनी और नमक को घोल लेते हैं, उस तरह से वाइल क्या होता है, उसमें डिजॉल्व नहीं होता है और वो सरफेस के, वाटर के सरफेस के ऊपर एक लेयर बना लेता है और लेयर बनाने के कारण एक्वेटिक एनिमल जो हैं उन्हें सफोकेशन होने लगता है बच्चों, वो वाटर से शुद्ध एयर को नहीं ले पाते हैं, ठीक है।
एटमॉस्फेयर से, जिसके कारण उन्हें सफोकेशन होता है और सफोकेशन होने के कारण वो पानी में ही बेचारे मर जाते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल वेस्ट। नेक्स्ट क्या है, एयर वाटर पॉल्यूशन का कारण एग्रीकल्चरल वेस्ट। आजकल हम लोग अपने एग्रीकल्चर में ज्यादा से ज्यादा फसल प्राप्त करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट के लिए और कम समय में हमको ज्यादा प्रॉफिट हो, ज्यादा पैसा कमाए, इसमें हम लोग इतने होड़ में लगे रहते हैं कि आजकल ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का हम लोग यूज करने लगे हैं। ठीक है, डोमेस्टिकल फर्टिलाइजर का हम लोग यूज नहीं करते हैं, करते पहले के जमाने में बच्चों काउ डंग का यूज किया जाता था। ठीक है, हर पत्तियों के ये सब के सड़े गले पत्तों से, ये सबसे वेस्टेज से कंपोजेबल जो कंपोस्ट होता था उसका यूज करते थे आज किसान फार्मर अपने खेतों में। लेकिन आजकल किसान भी क्या चाहते हैं, हमें कम समय में ज्यादा प्रॉफिट हो, इसके लिए वो ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज करने लगे हैं। और यही फर्टिलाइजर जब एग्रीकल्चर में यूज करते हैं और इसमें पानी डालते हैं, इरिगेशन करते हैं, तो ये इसके भी कुछ वाटर बॉडीज में मिल जाते हैं, बह के चले जाते हैं, जिससे हमारा वाटर क्या हो रहा है बच्चों, पॉल्यूटेड हो रहा है। उसके बाद है नाउ द नेक्स्ट इज अनट्रीटेड सीवेज। हम लोगों के घरों में, आसपास में, मोहल्ले में, सिटीज में दे जो नदी है, नाले हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, उनका मेन होल हम लोग जाकर के क्या कर देते हैं, अपने पॉन्ड में, रिवर में खोल देते हैं। ठीक है, अनट्रीटेड, उसका ट्रीटमेंट ठीक से नहीं करते हैं और वहाँ से खुल के वो सीधे वाटर बॉडीज में चले जाते हैं, जिससे हर तरह के बहुत तरह पॉइजनस सब्सटेंस जा करके वाटर बॉडीज में चले जाते हैं। तो ये भी एक कारण है हमारे वाटर पॉल्यूशन का। नेक्स्ट है मेराइन डंपिंग। ठीक है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा पॉलीथीन बैग इस सब का यूज करते हैं और उसको वाटर बॉडीज में डाल देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, हमारा ड्रेनेज सिस्टम ये क्या मेराइन क्या होता है, डंप हो जाता है। पॉलीथीन बैग आप लोग देखते हैं ना बच्चों, वो अगर जाम हो किसी भी सीवेज में या नाले में या क्या चीज में, तो आगे वहाँ वाटर क्या होता है, फ्लो नहीं कर पाता है, डंपिंग हो जाता है, पूरा पैक हो जाता है बच्चों। ये भी एक कारण है वाटर पॉल्यूशन का। नेक्स्ट, वॉशिंग एंड क्लीनिंग नियर वाटर रिसोर्सेज। आजकल अभी भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ह्यूमन बींग हैं जो तालाब में, नदी में अपने गंदे कपड़ों को, अपने गंदे एनिमल्स को ले जाके वहीं पे धुलवाते हैं, वहीं पे अपनी गंदगी को धोते हैं, पूरे अपने एनिमल्स को भी वहीं पे नहलाते हैं, क्लीन करते हैं। इस कारण से हमारे वाटर बॉडीज क्या होते हैं बच्चों, पॉल्यूटेड होते हैं। नेक्स्ट द काउज इज थर्मल पॉल्यूशन। जितने भी हमारे थर्मल पावर लगे हैं उनसे भी हमारे वाटर क्या हो रहे हैं, पॉल्यूटेड हो रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे एक्टिविटीज हैं जो हम लोग ह्यूमन बींग ही कर करके जो कि क्या कर रहे हैं, अपने वाटर बॉडीज को पॉल्यूटेड कर रहे हैं। वो वाटर जो हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी है बच्चों, जिसके लिए, जिसके बगैर वी कांट सर्वाइव बच्चों, हम पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते बच्चों। आप भी अपने घरों में पानी पीते हो ना, पानी के बगैर मॉर्निंग से लेकर रात तक आप बिना पानी पिए रह सकते हो बच्चों, नहीं रह सकते हो ना। एक दिन फास्टिंग अगर कर लो तो क्या लगता है, जल्दी से मेरा फास्टिंग खत्म हो और मैं जल्दी से पानी पीऊँ, नींबू पानी पीऊँ। ठीक है, तो ये जब हम लोग खुद ये जानते हैं कि वाटर इज वेरी नेसेसरी, एयर इज वेरी नेसेसरी, फिर भी हम लोग अपनी एक्टिविटीज के द्वारा क्या कर रहे हैं, इसको पॉल्यूटेड कर रहे हैं बच्चों, जिसको कि हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। अब हम लोग इसके, जैसे एयर के पॉल्यूशन के इफेक्ट होते हैं, वैसे वाटर के पॉल्यूशन के भी बहुत सारे इफेक्ट होते हैं बच्चों, इससे रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां भी हम लोगों को होती है। इसके बारे में अब हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, आई विल कंटिन्यू टुमारो। अभी आप लोगों को जितना हम पढ़ाए हैं उसको डिटेल में अपने बुक से देख करके फिर से अपने घरों में, स्टे इन योर होम, ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। नेक्स्ट डे आई विल कंटिन्यू कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, इस वाटर पॉल्यूशन के क्या इफेक्ट हम लोगों पे पड़ रहे हैं, इसके बारे में नेक्स्ट डे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय बच्चों।